हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आप लोग से मैं बोली थी कि मैं वैष्णो माता जा रही हूँ, पर वैष्णो माता की जितनी ट्रेन थी सारे कैंसिल हो गई। अब इसके वजह से मैं वैष्णो माता नहीं गई। अब मैं कहीं कहीं कोई धाम पर जा रही हूँ, आप लोग के जरूर बताऊंगी और दिखाऊंगी। तो अब मैं 4 दिन अपने लड्डू गोपाल की पूजा की फोटो, पूजा की वीडियो नहीं लगाऊंगी। ये लिए आप लोग से बता देती हूँ कि हम लोग 4 दिन 5 दिन के लिए धाम घूमने के लिए जा रहे हैं। और कौन कौन धाम जाएंगे वो जाऊंगी तो आप लोग के बताऊंगी। तो अपने लड्डू गोपाल के मैं अपना लंच इकट्ठा करके धर देती हूँ कि 4 दिन तक हमारे लड्डू गोपाल निकाल निकाल के खाते रहेंगे। तो देखो हम लोग कैसे रखती हूँ लड्डू गोपाल की, जाने के टाइम में इतना आराम से इनके लिए सामान रखती हूँ कि अपने खुद निकाल के खाएंगे। क्योंकि ये तो दुनिया के देते हैं खाने के लिए, तो इनको कौन देगा खाने के लिए। लेकिन अपना जो श्रद्धा रहता है वो करके मैं जाती हूँ। तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ये पेड़ा बनाई हूँ। तो ये पेड़ा में मैं तुलसी डालूंगी और लड्डू गोपाल के आगू में रखूंगी। अब इसको ढक्कन लगा दूंगी इस प्रकार से, इनकी आगू में रख दूंगी। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लड्डू गोपाल के इतना करके जाती हूँ, क्योंकि ये भगवान है। साथ में ले जाने से इनकी जैसे नियम होती है वो नियम नहीं होती है, ये लिए हम भगवान के कहीं लेके नहीं जाती हूँ। अब इसमें ये पंचमेवा है, इसमें भी मैं तुलसी रखूंगी। अब इसको भी मैं ढक दूंगी। दोनों बंद नहीं करूंगी, खुला ही छोड़ूंगी। ये मैं पानी रखी हूँ, ये पानी इसी प्रकार मैं यहाँ रख दूंगी। इसमें भी तुलसी डालूंगी। अब ये पानी को भी मैं ढक दूंगी। अब इनको यही हाथ जोड़ती हूँ कि भगवान जैसे होगा उसे आप खुद लेके भोग लगा लेना। अगर आप लोग के हमारे ये पूजा की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।